हेलो एवरीवन, मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिलती रहे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोवा का पैकेज, 3 नाइट 4 डेज़ का बजट पैकेज। तो ये जो बजट पैकेज है ये आएगा, इसका बजट मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो हम गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा एक पश्चिमी भारत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख है और यहाँ का कैपिटल है पणजी। हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से। फ्लाइट तो वैसे आप कहीं से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गोवा की। मगर हम बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के अगर फ्लाइट आप ले रहे हैं तो यहाँ से गोवा का जो है जर्नी 2.5 घंटे की होगी और अराउंड 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है गोवा का। वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको अटेंड करेगा और वो होटल ले जाएगा। होटल चेक इन करने के बाद, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप वहाँ पे सनसेट का नज़ारा लेके और उसके बाद आप होटल आ जाएंगे। ओवरनाइट स्टे करने के बाद आपके दूसरे दिन की शुरुआत होती है। दूसरा दिन आप जो कवर करेंगे वो आपका नॉर्थ गोवा होगा। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप नॉर्थ गोवा का साइट सीन करेंगे। यहाँ पे बीचेस का आप नज़ारा लेंगे, कैलंगिट बीच हो गया, बागा बीच, अंजुम बीच और फोर्ट अगोडा, ये वहाँ पे आप कवर करेंगे। इसके बाद आप वहाँ पर अपने गाइड से कुछ इसमें वाटर एक्टिविटीज़ भी ऐड करवा सकते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से वाटर एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं तो इसमें ऐड हो सकता है। ये कवर करने के बाद आपका दूसरे दिन का ट्रिप जो है समाप्त होता है। आप वापस होटल आएंगे, वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करेंगे और उसके बाद आप तीसरे दिन की खूबसूरत शुरुआत करेंगे। तीसरा दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आप साउथ गोवा जाएंगे। साउथ गोवा में वहाँ पे आप टेम्पल और वहाँ पे चर्च के दर्शन करेंगे। टेम्पल मंगेश टेम्पल हो गया, शांता दुर्गा टेम्पल, ये वहाँ पे आपको कवर करने को मिलेगा। उसके बाद आप वहाँ पे पणजी की लोकल मार्केट, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद वापस आप अपने होटल आएंगे। होटल वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करने के बाद आप फोर्थ डे अपना चेकआउट करेंगे और अपने खूबसूरत जर्नी का समाप्ति करेंगे और अपनी यादों को समेटते हुए वापस अपने घर की तरफ आएंगे। अब अगर हम इसमें होटल और बजट की बात करें तो होटल इसमें जो होगा आपका 3 नाइट का एक ही होटल होगा और जो बजट होटल होगा, अगर आप मान के लिए कैंडुलम रिजॉर्ट भी हो सकता है, इसमें 3 स्टार प्रॉपर्टीज में कोई भी आपको होटल प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी साइट सीन की बात करें, साइट सीन सारा इसमें इंक्लूशन होगा, तो हम टोटली कॉस्ट की बात करें अगर होटल की और पूरी साइट सीन की, तो आपका ये लैंड पार्ट आ जाएगा 18,000 में आ जाएगा। फ्लाइट अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं तो कभी फ्लाइट तो फ्लक्चुएट होती रहती है, बट उसका अगर फ्लाइट का एक एस्टिमेट हम आइडिया लगाएं तो ये अराउंड 6 to 7,000 में इसकी फ़्लाइट आ जाती है। तो अराउंड आप बजट मान के चले 25 से 26,000 पर पर्सन आ जाएगा इसका कॉस्ट। तो कुछ अच्छे बजट में ही ये पैकेज जो आप कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नॉर्थ गोवा में स्टे करें। नॉर्थ गोवा क्या है कि वो वहाँ पर बजट प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी बीचेस हैं और साउथ गोवा में बीचेस काफ़ी हैं, बट वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई अगर बजट प्लान कर रहे हैं, आपको गोवा पूरा फील करना है, वहाँ आपको घूमना है, तो आप साउथ गोवा भी कवर कर रहे हैं बट वहाँ स्टे ना करें, क्योंकि वहाँ का जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है। तो बेहतर होगा आप नॉर्थ गोवा में करें और अपने ट्रिप को एक बजट ट्रिप बनाएं और एक हसीन ट्रिप बनाएं और यादगार ट्रिप बनाएं, ताकि आप अपनी यादों को समेट के वापस लेके आएँ तो उसे पूरे लाइफ टाइम उसे याद रखें। तो गाइस, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।